जाने मन, वीडियो देख के पतली गली से निकल मत जाना। अच्छा लगे तो सब्सक्राइब का बटन भी दबाना और सुनो, बेल आइकन भी प्रेस कर देना। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के चित्तूर के एक मंदिर के पुजारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में स्टाफ के कोरोना पॉजिटिव मिलने से सवाल उठ रहे हैं। गुजरात में भी कोई एग्जाम हो तो उसमें 70 पेशेंट कोरोना के मिल गए एग्जाम एस्पिरेंट। आप कैसे गारंटी लोगे हमारी, ये बताओ। एक किसान का बेटा कोरोना का महंगा इलाज कैसे अफोर्ड कर सकता है। एंड इट विल बी अ डेडली संडे इन द हिस्ट्री ऑफ द इंडिया। रोमांचित। ओके दैट्स इट। यार मेरे पास है एक सवाल, ये ऊपर बैठे हुए लोग कौन से ब्रांड का भुगते हैं माल? नहीं, क्योंकि इनके लॉजिक मेरी समझ के दोबारा है बॉस। प्राइवेट ऑफिसेज बंद पड़े हैं, स्टार्टअप्स पे ताले लगे पड़े हैं, फिर धार्मिक स्थलों को खोलना क्यों इतना जरूरी है जब खुद ही रूल बनाया है कि भाई बाहर निकलो जब मजबूरी है। अरे भगवान के दर्शन के चक्कर में उन्हीं के पास पहुंचा दोगे क्या? 27 लाख लोग कोरोना की चपेट में है इंडिया में, अब तो अपनी कॉमन सेंस लगा लोगे क्या? मैं पूछती हूँ, जब वर्क फ्रॉम होम हो सकता है तो वर्शिप फ्रॉम होम क्यों नहीं? दुनिया भर में मशहूर तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के 743 कर्मचारी अब तक कोरोना पॉजिटिव पाए जा चुके हैं और 3 लोगों की मौत भी हुई। बड़ी खबर आंध्र प्रदेश से। आंध्र प्रदेश के चित्तूर के एक मंदिर के पुजारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। थालियां बजती रहनी चाहिए देवी और सज्जनों। CBSE, ICSE, IIT तक के एग्जाम कैंसिल हो चुके हैं, लेकिन JEE और नीट के एग्जाम कराने पर ये लोग क्यों अड़े पड़े हैं? क्यों बच्चों में ये भेदभाव किया जा रहा है? क्या एक एंट्रेंस एग्जाम उनकी जान से प्यारा है? कितने एग्जाम्स होते हैं उन सब में, क्या हालत है पता है आपको? गुजरात में भी कोई एग्जाम हो तो उसमें 70 पेशेंट कोरोना के मिल गए एग्जाम एस्पिरेंट्स। आप कैसे गारंटी लोगे हमारी, ये बताओ आप। और सर, जैसे हालात इस समय देश में है, इतने पैसे का इलाज हो रहा है कोरोना का, तो हम लोग कैसे अफोर्ड कर पाएंगे वो सब? एक किसान का बेटा कोरोना का महंगा इलाज कैसे अफोर्ड कर सकता है? इफ द एग्जामिनेशंस आर गोइंग टू बी हेल्ड ऑन द 13th सेप्टेंबर, then it will be a deadly Sunday for each and every student and it will be a deadly Sunday in the history of the India. अगर इनमें से किसी एक छात्र की भी जिंदगी दांव पर लगी तो उसकी जवाबदेही कौन लेगा? ऑपोजिशन पार्टी के मंत्री के घर रेड करानी होगी ना तो रातों रात हो जाती है। विकास दुबे को तो कोर्ट हियरिंग से पहले ही इंसाफ की गोली खिला दी जाती है। तो फिर सुशांत के केस में CBI बिठाने में इतनी देर क्यों लग जाती है? राजीव गांधी ट्रस्ट में पैसे कहां से आते हैं ये इन्वेस्टिगेट करने के लिए पैनल तो रातों रात बन जाते हैं। लेकिन जब लोग अपने ही पैसे का हिसाब पीएम केयर फंड में मांगते हैं तो आपकी जुबान पर ताले क्यों लग जाते हैं? रेप, दंगे, कोरोना, बाढ़, कितना यहाँ कुछ है दिखाने को, लेकिन अपने देश का मीडिया बॉस लगा हुआ है चाइना और पाकिस्तान को नीचा दिखाने को। कहीं स्वर्ग की सीढ़ियां हैं तो कहीं बिल्ली का बच्चा खोया है। अरे मेरे देश का मीडिया चापलूसी की दारू पी के तो क्या मस्त नींद में सोया है। सवाल है कि क्या बर्फ से ढके पहाड़ों में सचमुच स्वर्ग की सीढ़ियां मौजूद हैं? वहां तक पहुंचने का रास्ता कौन सा है? एक बिल्ली उसी थाने के चक्कर लगा रही है क्योंकि आगजनी के बाद उस बिल्ली को उसके 4 बच्चे मिल नहीं रहे हैं। एक्टर्स जनता की सेवा कर रहे हैं और नेता एज यूजुअल सेवा करने की सिर्फ एक्टिंग कर रहे हैं। यहाँ डेली वेजर्स को रोटी सब्जी खरीदने के लाले हैं और यहाँ मंत्री 10-10 करोड़ में खरीदे बेचे जा रहे हैं। Oh, by the way, I'm talking about Rajasthan horse trading. But I wonder who call it horse trading, not khachar trading. Anyway, एक दिन की बिहार रैली के लिए 144 करोड़ के LED लगाएंगे, लेकिन जब गरीब को घर भेजना होगा तो ट्रेन की टिकट का पैसा उन्हीं की जेब से निकलवाएंगे। अरे तो क्या हो गया, पीएम केयर फंड में बहुत पैसा है तो किसानों को हर साल 6,000 रुपए भी तो दिए जाएंगे। 6,000? वाओ, मैं तो प्लेन खरीद लूं। हर रोज कोरोना के मरीज बढ़ रहे हैं, लोग जिंदगी और मौत से लड़ रहे हैं, 50 लाख लोग इंडिया में बेरोजगार हो चुके हैं, लोग अपनी शादियां तक पोस्टपोन कर रहे हैं। इतनी आफत में मैं पूछती हूँ, ऐसे भी क्या आफत थी? भूमि पूजन नहीं, वो कोरोना को खुली दावत थी, क्योंकि जरूरत तो नहीं साहब, वो सियासी हसरत थी। अब आप क्रोनोलॉजी समझिए, मास गैदरिंग की इजाजत नहीं पर इसमें 175 गेस्ट भक्ति में लीन आए। पुजारी जी बने दबंग, उन्होंने पूरा फंक्शन अटेंड किया पीएम साहब के साथ बिना मास्क लगाए। फिर पुजारी जी को कोरोना हुआ, पीएम साहब ने फिर भी खुद को आइसोलेट ना किया। 15 अगस्त में झंडा फहराया शान से, दूसरों की जान को खतरे में डाला जान के। रेखा जी के गार्ड को कोरोना हो जाए ना तो
बीएमसी के लोग उनके घर के बाहर 3 दिन तक चक्कर काटते हैं और अपने यहाँ गरीबों को कोई हॉस्पिटल में लेके राजी नहीं है। कईयों की जान तो हॉस्पिटल के गेट के बाहर ही निकल जाती है। बीएमसी की टीम बार बार रेखा के बंगले तक आती है लेकिन मुश्किल ये है कि रेखा दरवाजा नहीं खोलती। यहाँ पर 2 घंटे से LNJP के बाहर खड़ा हुआ हूँ। मेरे भाई और मेरा बेटा और भतीजा साथ में है। यहाँ हमें कोई एंटरटेन नहीं कर रहा। वैसे तो ऊपर के लोग अपने हेल्थ सिस्टम की बड़ी तारीफें हाँकते हैं लेकिन जब खुद को कोरोना हो जाता है ना तो सबसे पहले दम दबा के प्राइवेट हॉस्पिटल की तरफ भागते हैं। तो अभी भी मेरा है एक ही सवाल, भाई बता दो कौन से ब्रांड का फूंकते हो माल, बता दो यार। पूरा देश रोमांचित है, हर मन दीपमय है। आज पूरा भारत भावुक है। सदियों का इंतजार आज समाप्त हो रहा है।